Hello everyone, welcome or welcome back. I hope you all are doing well and welcome to the most requested video. This is winter skincare. बहुत सारे लोग इसकी request कर रहे थे and I'm so sorry, थोड़ा सा ज़्यादा time लग गया because I was lining up all the videos जो इस महीने मुझे देनी है and I'm hoping कि मैं वो इस महीने सारी deliver कर पाऊँ because बहुत ज़्यादा content पड़ा हुआ है मेरे पास जो मैंने plan out करा है कि इसी साल के end तक मैं वो आपको सब दे दूँ best of this year में जितनी भी categories हैं वो सब दे दूं. सो आई एम होपिंग कि मैं कर पाऊँ वो. बजक नहीं हो पाया तो फिर हम उसको नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ माई विंटर स्किन केयर रिकमेंडेशंस अपडेटेड वन. अगर आपने लास्ट ईयर वाला वीडियो देखा है और उससे लास्ट ईयर का विंटर स्किन केयर देखा है देन यू नो कि उस टाइम पे मैंने आपको काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशंस दी हैं. तो अगर आप वो वाले वीडियोज चेक करना चाहते हो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी वो ज़रूर चेक करना. प्लस जो एक साल पहले वाला जो है ना उस वीडियो में मैंने आपको डूज एंड डोंट्स भी बताए हैं कि कैसे यू नो आप अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हो ड्यूरिंग विंटर्स और किन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है और क्या आपको करना है. तो वो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट देख लेना अगर आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस नहीं देखनी है तो वो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि वो ज़रूर चेक करना. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा. तो सबसे पहले तो विंटर स्किन केयर है क्या और इसका इतना ज़्यादा हाइप क्यों बनाया हुआ है आई डोंट नो. देखो कुछ भी नहीं होता है विंटर स्किन केयर में कि आपको अब सर्दियाँ आ गई हैं तो नाउ यू नीड टू चेंज ऑल योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स. नो, ऐसा नहीं है. ये चेंज करने की ज़रूरत आपको सिर्फ तब पड़ती है इफ़ जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो इट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग फॉर यू और वो आपको कम लग रहा है, यू नीड एक्स्ट्रा, देन आपको यू नो स्विच करने की ज़रूरत है और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है. बट अभी अगर करंटली आप जो भी स्किन के रूटीन फॉलो कर रहे हो, बीट क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सिरम, टोनर, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, इफ़ दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू कीप यूजिंग इट. आपको ये इसमें मत जाओ कि हाँ वो विंटर आ गई है तो आई नीड टू चेंज माई प्रोडक्ट्स. नो, जो चीज़ काम कर रही है कीप यूजिंग इट. चेंज आपको तब करना है इफ़ यू फीलिंग ड्राई, इफ़ यू फीलिंग डिहाइड्रेटेड. अगर आपको लग रहा है कि दिस स्किन केयर इज़ नॉट सफिशियंट, आई नीड सम एक्स्ट्रा हाइड्रेशन इन टू माई स्किन, देन यू नीड एक्स्ट्रा स्टेप्स, राइट. सबसे पहले बात करते हैं अबाउट मॉर्निंग स्किन केयर. तो मॉर्निंग में आपको एक जेंटल क्लेंजर की ज़रूरत होती है जो आपके स्किन को ओवर स्ट्रिप ना करे. तो उसके लिए आई हैव दिस वन ऑप्शन फ्रॉम मिनिमलिस्ट. दिस इज़ देयर ओट एक्सट्रैक्ट वाला क्लेंजर. अच्छा है, क्रीमी सा टेक्सचर है, बट अगर आप इसको अच्छे से 1 मिनट तक मसाज करते हो तो ये काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है. मॉइस्चराइजेशन वाली वो फिल्म सी नहीं छोड़ता है. तो इट्स गुड वन, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस अगर आपका स्किन ड्राई फील हो रहा है और सेंसिटिव है और वीक बैरियर का प्रॉब्लम है, यू कैन गो फॉर दिस वन. सेकेंड रिकमेंडेशन आई हैव दिस एक्वापोरिन बूस्टर क्लेंजर फॉर फ्रॉम मिनिमलिस्ट. जेल लाइक टेक्सचर है, काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है ये. अगर आपका वीक बैरियर का प्रॉब्लम है देन यू कैन गो फॉर दिस 1% सेरामाइड कम्प्लेक्स वाला मिल्की क्लेंजर फ्रॉम डर्मा को. बहुत अच्छा है, अगेन थोड़ा सा मिल्की सी कंसिस्टेंसी है, बट अगर आप अच्छे से इसको मसाज करते हो अपने फेस पे देन ये बहुत अच्छे से आपके फेस को क्लीन कर देता है एंड इट्स रियली गुड, आई लव इट. लास्टली अगर आपका स्किन देखो सेंसिटिव है, अगेन दिस गोना बी सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, बायोडर्मा सेंसी बायो एच 2. रियली गुड फॉर सेंसिटिव स्किन, लाइक ऑल स्किन टाइप के लिए ही होते हैं. जो आप लगाओ अगर जो नॉर्मल और सेंसिटिव और वीक बैरियर वाले क्लेंजर्स होते हैं ना, दे मोस्टली सूट्स ऑल स्किन टाइप्स. ना अगर आपका स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है देन यू कैन ट्राई दिस मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर. दूसरा ऑप्शन है मेरे पास ये डॉक्टर शेड्स का नीम एंड BHA वाला क्लेंजर. एज यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट ओवर, रियली रियली गुड वन. लाइक इनको आप अगर देखो आपका एट द सेम टाइम स्किन ड्राई भी है बट एक्ने प्रोन है ना, देन आप इनको वीकली कर सकते हो, लाइक ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ कर सकते हो, ट्वाइस और थ्राइस अ वीक करके कर सकते हो यूज़. अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आप इनको डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो. मॉर्निंग के टाइम पे लाइक एक टाइम पे यूज़ करना, 2 टाइम मत करना, अदरवाइज स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो जाएगी. बट दीज आर रियली रियली अमेजिंग क्लेंजर्स फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. नेक्स्ट स्टेप आता है टोनर और असेंस. तो सर्दी में देखो टोनर की एज सच आपको उतनी नीड नहीं होती है. आई वुड से कि इंस्टेड ऑफ टोनर यू कैन इन्वेस्ट इन अ गुड
असेंस इफ यू वॉन्ट दैट एक्स्ट्रा हाइड्रेशन ऑन योर स्किन. स्टिल अगर आप एक टोनर ही ढूंढ रहे हो देन आई वुड हाईली रिकमेंड दिस कॉजरेक्स का प्रॉपलिस सिनर्जी टोनर. दिस वन इज रियली रियली गुड. ये आपको एक एक्स्ट्रा हाइड्रेशन भी दे देगा, प्लस इट हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बिकॉज प्रॉपलिस है इसके अंदर. तो दिस गोना बी अ परफेक्ट परफेक्ट ऑप्शन फॉर ऑल स्किन टाइप. और अगर आप असेंस ढूंढ रहे हो तो आई वुड से यू कैन इन्वेस्ट इन दिस रोवेक्टिन का स्किन ट्रीटमेंट असेंस. बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ये चल जाता है. इसमें हाइलुरोनिक एसिड मिल जाता है आपको, 2% नायासिनामाइड मिल जाता है. काफ़ी ब्राइटनिंग इन्ग्रीडियंट्स इसके अंदर डले हुए हैं. अब आप देखो ये ना एक साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी भी ये इतना बचा हुआ है. तो आई थिंक अगर आप इसको डेली यूज़ करोगे ना कंटिन्यूसली तो ये एक साल बहुत आराम से आपका निकाल देगा अगर आप इसको एज अ सिरम यूज़ करते हो. तो आई थिंक इट्स अ वर्थ इन्वेस्टिंग बिकॉज काफ़ी अच्छी क्वांटिटी होती है ये 180 ml की, तो काफ़ी लंबी ये चल जाती है. यू कैन इन्वेस्ट इन दिस और यू कैन इन्वेस्ट इन दिस कॉजरेक्स का स्नेल म्यूसिन असेंस बिकॉज ये भी आपका काफ़ी लंबा चल जाता है. डिस्काउंट पे आराम से 1000-1200 के आसपास आपको पड़ जाता है. 100 ml की क्वांटिटी है, बहुत लंबी आपकी ये चल जाएगी. सो इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग. नेक्स्ट कम्स द आई क्रीम. ना आई क्रीम में देखो इट्स ऑप्शनल, अगर आपको लगानी है तभी आप लगाओगे, अदरवाइज देखो अगर आपको जेल टाइप चाहिए तो आप क्लियर्स वाली लगा सकते हो, अवेकनिंग जेल है. बटर टाइप की चाहिए तो उसी का आई बटर आता है वो लगा सकते हो. और जो मैंने पर्सनली दो ट्यूब फिनिश करी है इज दिस इज इन ट्री का TW आई क्रीम. एज यू कैन सी ये भी कम्प्लीटली फिनिश हो चुकी है. ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल लगती है. बिफिडा फर्मन लाइसेट भी ऑन द टॉप है, पेप्टाइड्स जले हुए हैं, काफ़ी अच्छी इंग्रेडिएंट लिस्ट है. ओके नेक्स्ट कम्स द मॉइस्चराइजर. ना मॉइस्चराइजर की देखो यार जो आप यूज़ कर रहे हो ना करंटली कीप यूजिंग इट, यू डोंट नीड टू चेंज इट. नाउ लास्टली आते हैं सनस्क्रीन पे. नाउ सनस्क्रीन भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी मैंने इस साल एक्सप्लोर करी है इंडियन ब्रांड्स की. अगर आप मेरे बेस्ट एंड वर्स्ट वाला सनस्क्रीन वाली सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, आपको पता है मैंने रिसेंटली उसका Part 3 भी दिया था, तो आप वो वाले चेकआउट कर सकते हो अगर आप कोई अच्छी सनस्क्रीन अपने लिए ढूंढ रहे हो. ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. नाउ यू हैव टू रिमूव द सनस्क्रीन. उसके लिए आपको चाहिए फर्स्ट क्लेंज, ऑयल बेस्ड क्लेंजर. तो उसके लिए यू कैन गो फॉर ईदर माइसिलर वाटर लाइक दिस. आई हाईली रिकमेंड दिस वन बिकॉज दिस वन इज परफेक्ट परफेक्ट माइसिलर वाटर फॉर सेंसिटिव, एक्ने प्रोन, ऑयली, वीक बैरियर, सब के लिए परफेक्ट है. आई डोंट नो मैंने इसके कितने एम्प्टीज करे हैं, यू गाइज नो अगर आप मुझे फॉलो करते हो. तो ये परफेक्ट है टू रिमूव सनस्क्रीन और उसके बाद आप अपना क्लेंजर यूज़ कर सकते हो. और अगर आपने मेकअप लगाया है तो यू हैव टू रिमूव योर मेकअप विद ईदर क्लेंजिंग ऑयल और अ क्लेंजिंग बाम. क्लेंजिंग ऑयल ढूंढ रहे हो इंडियन में तो डॉक्टर शेथ का है, काफ़ी अच्छा है. क्लेंजिंग बाम ढूंढ रहे हो तो पल्प वाला भी अच्छा है, डीकंस्ट्रक्ट का भी अच्छा है, बट वो हल्का सा आईज में स्टिंग करता है. बट देख लेना अगर आपकी आईज पे स्टिंग नहीं करता है यू कैन गो फॉर दैट. सुगंधा का स्क्वालेन क्लेंजिंग ऑयल है वो भी बहुत अच्छा है. प्लस दिस ऑर्डनरी का स्क्वालेन क्लेंजर ये भी अच्छा है बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस हैं बट हाँ डू विद अ क्लेंजिंग ऑयल और क्लेंजिंग बाम. नेक्स्ट कम्स द क्लेंजर. सेकेंड क्लेंज के लिए यू नीड अ वाटर बेस्ड क्लेंजर. एंड उसके लिए देखो काफ़ी सारे क्लेंजर्स हैं वैसे तो जो ड्राई आउट नहीं करते हैं स्किन को, बट ये जो है ना ये मैंने एक्चुअल में सर्दी में यूज़ किया है और मैंने देखा है कि ड्राई आउट नहीं करता है. दिस वन इज सेटाफिल का हेल्दी ब्राइट हेल्दी रेडियंस वाला क्लेंजर. क्रीमी कंसिस्टेंसी है, रिच फोम, रिच लादर बनाता है, परफेक्ट. यू कैन गो फॉर दिस बेंटन का ग्रीन टी क्लेंजिंग फोम, ये भी अच्छा है. प्लस इसी बेंटन का एक वाइट पैकेजिंग वाला है वो भी अच्छा है. करंटली आई एम यूजिंग टोनी मोली का ग्रीन टी वाला क्लेंजर, वो भी अच्छा है. तो इनमें आप कोई भी चूज कर सकते हो. बाकी की चीज़ें तो सेम ही रहेंगी. सेम असेंस जो आपने मॉर्निंग में लगाया वही आप रात को लगा सकते हो. ना इफ यू वॉन्ट नायासिनामाइड बेस्ड सिरम और वाइटामिन सी सिरम ढूंढ रहे हो, कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला सिरम ढूंढ रहे हो, तो नायासिनामाइड सिरम्स पे मैंने एक वीडियो बनानी है अभी, तो उसमें आप देख लेना कौन कौन सी अच्छी वाली ऑप्शंस हैं. बेस्ट एंड वर्स्ट नायासिनामाइड ऑफ 2022 जो मैंने ट्राई किए हैं वो वीडियो भी मैं बनाऊंगी, वो आपको मिल जाएगी तो आप उसमें चेक कर सकते हो. मॉइस्चराइजर वाला भी मैं ट्राई करूंगी, बनाऊंगी. सीका क्रीम्स पे बनाना है मुझे, सेरामाइड क्रीम्स पे बनाना है, तो ये सब वीडियोस आएंगी, डोंट वरी.
बिकॉज अभी मैं अगर सारी बोलने लग जाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. ऑलरेडी आई कैन सी बहुत लंबा हो रहा है. हाँ, इसमें मैं ये बता सकती हूँ कि अगर आप कोई केमिकल एक्सफोलिएंट ढूंढ रहे हो, यू कैन गो फॉर द पील्स. डॉक्टर शेथ हैज़ एक्स्ट्रा जेंटल पील, मीडियम हाई स्ट्रेंथ वाला पील, लिकोरिश वाला पील, मैंडलिक वाला पील. यू कैन गो फॉर दोज अगर आप अभी बिगिनर हो और अभी आपने स्टार्ट किया है लो कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करना. और डर्माको का 15% मिल्की वाला पील है, वो भी बहुत अच्छी है. और यू कैन गो फॉर द 15% ही ग्लाइकोलिक वाला जो है, जिसमें 5% ग्लाइकोलिक है, 5% लैक्टिक है, 5% मैंडलिक है, वो आप यूज़ कर सकते हो. एंड इफ़ यू प्रो यू कैन गो फॉर द 30% एज वेल. और डॉक्टर शेथ का हाई स्ट्रेंथ वाला आता है एक मेडिफेशियल वाला, वो यूज़ कर सकते हो. तो ये हो गया आपका एक्सफोलिएशन वाला. स्क्रब के लिए देखो मैंने ट्राई किया है अयुगा के, वो भी ठीक हैं. सेंट आइज़ वाला यूज़ किया है मैंने, वो भी अच्छा है. तो फिज़िकल स्क्रब जो भी आपको सॉफ्ट लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो. एंड लिप बाम के लिए वीडियो अभी आनी है, अलाउ मी सम टाइम. उसमें मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से लिप बाम्स हैं जो बेस्ट हैं, बिकॉज अभी मैंने कुछ और नए लिए थे, उनको मैं टेस्ट आउट कर रही हूँ. तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी टेस्ट आउट करके फिर उनमें से जो भी अच्छा लगता है उसको भी उस लिस्ट में डाल दूँ. ना लास्टली आता है बॉडी केयर. ना बॉडी की ड्राइनेस के लिए एक तो जो मैंने आपको टिप्स उस वीडियो में बताए हैं वो ज़रूर चेक करना. प्लस आप इंस्टेड ऑफ अगर आप डिटॉल सोप यूज़ करते हो, डिटॉल मत यूज़ करना. इंस्टेड ऑफ गो फॉर मॉइस्चराइजिंग बार्स, जैसे आपका लक्स हो गया या डव हो गया या यार्डले हो गया, निव्या हो गया, आप इनमें से कोई भी सोप यूज़ कर सकते हो. एंड देन आपका ऑटोमेटिकली देखना ड्राइनेस कम हो जाएगा. प्लस उसके ऊपर अगर आप बॉडी लोशन लगा लोगे तो और बेटर हो जाएगा. पहली रिकमेंडेशन तो मैं दूंगी ये सेंट आइव्स वाले बॉडी लोशंस. अभी ये करंटली मैं ये ओट्स वाला यूज़ कर रही हूँ. इसके बाद मैंने एवोकाडो वाला भी लिया है, वो भी काफ़ी अच्छा है. दीज बॉडी लोशंस आर रियली रियली गुड, अफोर्डेबल भी हैं. निव्या वाले भी यूज़ कर सकते हो, बट अभी इस साल मैंने ये एक्सप्लोर किए हैं तो दीज आर रियली गुड. प्लस ये मिनिमलिस्ट का है 5% नायासेनामाइड वाला, ये भी काफ़ी अच्छा है. ऑयली ऑयली सी फील आपको देता है काफ़ी अच्छे से, लाइक बहुत कम क्वांटिटी की ज़रूरत होती है. और अगर आप कुछ रिपेयरिंग ढूंढ रहे हो सेरामाइड बेस्ड, तो आई विल हाईली रिकमेंड दिस वन. दिस वन इज़ रियली 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 अमेजिंग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा है. लाइक अभी मैं इंसिडेंट बताती हूँ, मैंने अपना बाथरूम साफ किया था हार्पिक डाल के, तो मेरे ना ये वाले जो नक्कल्स होते हैं ना यहाँ पे बुरी तरह से ना सारा से छिल गया था. तो मैंने दो बार इसको अप्लाई किया, एक बार दोपहर को, एक बार रात को सोते टाइम, और नेक्स्ट डे मेरे हैंड्स एकदम स्मूद एंड सॉफ्ट हो गए थे. आई लव दिस वन. तो यू कैन चेक दिस वन फॉर योर ड्राई बॉडी, जहाँ पे भी आपको ड्राइनेस है यू कैन चेक दिस वन आउट. रियली रियली अमेजिंग. नाउ इनमें जो जो ब्रांड्स के साथ हमारा एफिलिएशन है वो मैं नीचे बता दूंगी, या जिन जिन ब्रांड्स के ब्रांड कोड्स हैं, डिस्काउंट कोड्स हैं आपके लिए, नॉट एफिलिएट, वो मैं नीचे डाल दूंगी. बिकॉज मैं भूल गई कि किस किस में किस किस का हमारे पास था. तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. एंड काइंडली अलाउ मी सम टाइम, अभी बहुत सारी और वीडियोस आने वाली हैं. एंड जो वीडियो मैंने आपको बताई है विंटर स्किन केयर के डूज एंड डोंट्स, वो ज़रूर देखना. नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, डू चेक दैट आउट. एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.